हेलो नमस्ते वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं जा रही हूँ तीज की शॉपिंग करने के लिए और आज मैं जाऊँगी साड़ी की शॉपिंग करने के लिए और मुझे लेनी है कांजीवरम साड़ी। तो चलिए मेरे साथ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर हर तरह की वीडियोज़ आती हैं। तो यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं साड़ी की शॉप में और यहाँ पर तरह तरह की साड़ियाँ दिखा रहे हैं। मैंने कहा था कि कांजीवरम साड़ी मुझे देखनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ साड़ियाँ हैं जो लो रेंज में हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो सब साड़ियाँ निकल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। ये येलो कलर की साड़ी, मोर और लेस इसी तरह की साड़ी मेरे पास भी है, मेरे वीडियो में आपने मुझे पहने हुए देखा होगा, तो मज़ा आ गया इस साड़ी को देख के। मेरे पास भी ये साड़ी थी और यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेड साड़ी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल लग रहा था। मैंने कहा नहीं, इतना लाल तो मैं नहीं पहनूँगी। साड़ी तो बढ़िया थी, मैं आपको सबका प्राइस भी बता दूंगी, जितना मुझे पता है मैं सबका आपको प्राइस बता दूंगी। तो कांजीवरम साड़ी तकरीबन 4-5 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है और एंड तो आप लाखों में जाती है, तो मुझे उतनी महंगी तो नहीं लेनी थी। मैंने कहा था 10 के नीचे की मुझे साड़ी दिखाइएगा, 5 to 10 के बीच की साड़ियाँ मुझे दिखाइएगा। तो उन्होंने कहा हर रेंज की साड़ी मिलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, साथ में वो कुछ नॉन कांजीवरम सिल्क भी दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हल्के में है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। मतलब साड़ियाँ तो ऐसी थी कि जो निकालता था ना वही अच्छी लगती थी। अब मुझे एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो लेनी है, तो मैं देख रही हूँ अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल रहे। उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा मैं ट्राई करके, पूरा पहनाते नहीं है, ऊपर से लगा के दिखा देते हैं। तो ये कांजीवरम नहीं है, ये तकरीबन 2000 के आसपास की है, नॉन कांजीवरम है ये। ये भी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ही सुपर लग रही थी। इसमें रेड था और ग्रीन था और ऑरेंज था। हल्के फुल्के ओकेज़न के लिए ना ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। ये नॉन कांजीवरम है और 2000 के रेंज की है। इसमें वही कलर जो थे ना वो रेड में वैसे में थे, तो मैंने कहा कि मुझे इतना ज़्यादा रेड रेड नहीं चाहिए, मुझे थोड़े अलग कलर की, ऐसी कलर की दिखाओ जो ज़्यादा लोग नहीं पहनते। तो उन्होंने कहा ये साड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए इस कलर की साड़ी, बिल्कुल हाँ कलर तो ऐसा है, बिल्कुल हट के है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। वो कह रहे थे कि ये साड़ी बहुत ग्रैंड लगेगी, इसके साथ ज्वेलरी लगा के जब आप पहनेंगे ना ब्लाउज़ वगैरह मैच करके, तो बहुत सुंदर लगेगी। मतलब सबकी निगाह इसी साड़ी पर रहेगी। ये कांजीवरम है, ये 7000 के रेंज की थी और ये साड़ी भी मुझे अच्छी लग रही थी। ये थी मीनाकारी वाली साड़ी, आगे मैं अभी आपको दिखाऊँगी। ये मुझे अच्छी लग रही थी, इसका जो काम था ना वो मतलब बहुत अच्छा था, पास से ना बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन ये कांजीवरम नहीं थी, ये मीनाकारी करके ये बता रहे थे। ये कम की थी, ये 4000 के आसपास की थी, तो मुझे ये जच रही थी। इसका जो कलर था ना वो थोड़ा सा मुझे ये है कम अच्छा लग रहा था। का और अब जो ये दिखा रहे हैं ना, ये प्योर कांजीवरम है, ये 6000 के ऊपर की साड़ी है। ये साड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी और सबके ना कलर भी ना एक ही थे, बहुत से बहुत दो या तीन थे, ज़्यादा नहीं थे। ये टेंपल वाला जो डिज़ाइन होता है ये ट्रेडिशनल है। ये सब 6000, 7000, 6600 इस रेंज की थी। तो मुझे भी इसके आसपास का कुछ लेना था। ये भी अच्छी लग रही थी टेंपल वाली, 6600 उसमें एक ही कलर था बस ग्रीन। मुझे लग रहा था कि ये वाली साड़ी देखिए कितनी प्यारी लग रही, ग्रीन और पिंक में था, बहुत बढ़िया लग रहा था। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल मतलब मेहंदी वाला लगे, हमेशा मेहंदी में जैसे पहनते हैं। और ये सब वही थी, 6000, 7000, 6600 ऐसे। इसमें ये कलर भी नहीं, लेकिन मतलब बच्चों को जैसे नहीं पसंद आता है ना कि ये क्या ले लिया। ये भी वही की, ये 2700 की है ना। हाँ जी जी, सभी एक ही दाम है, 2700। लो यहाँ पे लो, ये यहाँ पे कांजीवरम के बीच में ये दो साड़ियाँ हैं, ये 2700 की है, तो 2700 की साड़ी है ये, मतलब ठीक लग रही थी रेट के हिसाब से, देखने में भी अच्छी लग रही थी। मुंह देख पर देखो ना खाली कम कलर जा रहा है। कांजीवरम के मुकाबले में तो कम लगेगी ही, लेकिन वैसे अपने आप में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये है कांजीवरम, ये तो हमने सोचा कि जब कांजीवरम लेने गए हैं तो वो ही लेंगे। और यहाँ पे देखिए सेल्फ में जो रखी है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये 2700 वाली साड़ी है, ऑनलाइन में ना
बहुत हमें कम हो जाता है। और ये है 6600 वाली साड़ी है, ये भी वही की, ये 70। देखिए गुड्डी तो कहाँ गायब हो गई, थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा आपको, तभी पता चलेगा। ये वाला हटा देते हैं, इसको हटा दो आप, इधर है ना, इधर दिखा सर। अब देख रहे हैं, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। से ही हमने दो साड़ियाँ ली हैं, तो साड़ी ख़रीदने में तो बहुत मज़ा आया हमें। यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे तो लग ही गए, लेकिन हाँ बिल्कुल भी मतलब बोर नहीं हुए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और शॉपकीपर भी ना मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करके दिखा रहे थे, मतलब जब तक पसंद नहीं आ रही थी तो वो दिखाए जा रहे थे, ये नहीं कि इतनी साड़ी निकलवा ली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, साड़ी की शॉपिंग किसको किसको अच्छी लगती है, सबको मुझे लगता है अच्छी लगती होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी साड़ी खरीदना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है इस वीडियो को देख के थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। ये साड़ी जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये सब कांजीवरम है और एक से बढ़ के एक है, इन्हीं में से हमने 2 साड़ियाँ ली है। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिनको साड़ियाँ खरीदनी है उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाए। और कई ये शॉप जो था ये तो फिक्स प्राइस था, यहाँ पे कम ज़्यादा कुछ भी नहीं, जो बता दिया वही बता दिया। कई सारे शॉप ऐसे होते हैं जिसमें हम बार्गेनिंग करते हैं, तो अगर आप भी वैसे शॉप में जा रहे हैं तो मैंने आपको एक मोटा मोटा रेंज बता दिया है, तो आपको शॉपिंग करने में सुविधा हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि किस साड़ी का कितना दाम होता है, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होता रहता है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए बहुत ही अच्छे से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।